नमस्कार, जरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जून दिन हो गया शुक्रवार का, ये जानते शुक्रवार का पंचांग। आज शुभ समय कब लगेगा और अशुभ समय कब लग रहा है। शुभ समय में ही अपने सभी शुभ कार्यों को व्यक्ति को करना चाहिए ताकि वे सफल हो सके। इसलिए व्यक्ति शुभ कार्य को शुभ समय में ही करते हैं। यदि आप रोजाना शुभ समय और पंचांग को देखना चाहते हैं और शुभ समय के अनुसार अपने कार्य करना चाहते हैं तो पंचांग को जरूर देखना चाहिए, पंचांग का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो कि सुबह 7:02 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा। सूर्य सुबह 5:25 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। नक्षत्र मघा नक्षत्र सुबह 11:26 तक, उसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लगेगा। योग सिद्ध योग है जो कि 1:55 तक 27 जून तक है। उसके बाद व्यातिपात योग, करण बालव करण सुबह 7:02 तक, उसके उपरांत कौलव करण लगेगा। शुक्रवार का दिन है। शक संवत 1942 सरवरी और विक्रम संवत 2070 प्रमाथी और गुजराती संवत 2076 विरोधकृत। आइए राशि तथा नक्षत्र के बारे में जान। सूर्य राशि मिथुन, वहीं चंद्र राशि सिंह है और सूर्य नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है। आइए अब जानते हैं आज के ऋतुयन। दृग ऋतु वर्षा है, दृगयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु ग्रीष्म, वैदिक यन उत्तरायण है। आइए अब जानते हैं आज का शुभ समय। आज का जो शुभ समय है, आज का शुभ समय सुबह 11:56 से प्रारंभ हो रहा है जो कि दोपहर 12:52 तक चलेगा। इस दौरान आपको शुभ कार्य को कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत काल सुबह के 9:08 से सुबह 10:40 तक है। रवि योग सुबह 11:26 से सुबह के 5:25 तक 27 जून तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक। गोधूलि में शाम 7:10 से शाम 7:33 तक। तो ये था आज का शुभ समय। आइए अब जानते हैं आज का अशुभ समय। आज का जो राहु काल है वह सुबह 10:39 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:24 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। वहीं गुलिक काल सुबह 7:10 से सुबह 8:55 तक। तो ये थे आज के अशुभ समय। आज के दिन स्कंद षष्ठी का त्यौहार। तो आज हमने जाना 26 जून दिन शुक्रवार का पंचांग। यदि आपको आज का पंचांग पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।